Hello, myself Dr. Nisha Mathur, Associate Professor, Department of Mathematics, MLV, Government College, Bhilwara. आज मैं BSc Part 1st के second paper, Calculus में Triple Integral की theory मैंने last video में explain कर दी थी. उसमें Dirichlet Integral किया था and Lovelace Integral solve किया था अपने. और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. यहाँ पर अभी हम इसके ट्रिपल इंटीग्रल के बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल और सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे. हालांकि डबल इंटीग्रल में जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे उससे आप लोगों को सभी को काफी आइडिया लग गया होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है. अब तो अगर मल्टीपल इंटीग्रल भी हो तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ट्रिपल इंटीग्रल है जिसकी लिमिट है माइनस ए टू ए, माइनस बी टू बी, माइनस सी टू सी, और इंटीग्रांड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड. जैसे हमने डबल इंटीग्रल में वन बाय वन किया था और यहाँ पर जैसे हमारा माइनस ए टू ए, माइनस बी टू बी और माइनस सी टू सी है. अब इसमें अगर हम चाहें कि सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो भी हम कर सकते हैं और z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. तो यहाँ हमने z के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट किया है. यहाँ कांस्टेंट लिमिट होने के बाद हम फ्री हो जाते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करें और किसको हम कांस्टेंट रखें. तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर ही कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब बाय थ्री. लिमिट रखी हमने माइनस सी टू सी डी एक्स डी वाई. फिर जहां जहां हमारा जेड है वहां वहां हमने सी और माइनस सी रखा. फिर हमने वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया और फिर हमने जहां जहां वाई था वहां माइनस बी और बी रखा और फिर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया. तो ये हमारा ये आ गया. इसको चाहे तो हम लिमिट को चेंज भी कर सकते थे, जैसे कि हमारी माइनस ए टू है तो इसको हम जीरो टू ए भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हम उस लिमिट को ट्वाइस करके कर सकते हैं. तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ हमने वन बाय वन जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके कीपिंग एक्स वाई कांस्टेंट, फिर हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और फिर लास्ट में हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके यहाँ ये वैल्यू निकाल दी. ये तो था कि अगर हमारी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हो तो हम ट्रिपल इंटीग्रल कैसे निकालेंगे. अब हमारा ये है कि अगर हमारी लिमिट इस तरह की हो जैसे जीरो टू लॉग टू और जीरो टू एक्स और जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई और फंक्शन है हमारा ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब तो आप लोगों को अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी इस चीज की, क्योंकि मैं इस चीज को रिपीटेडली बता चुकी हूं कि जब यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है इट मीन्स एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम, वाई इन टर्म्स ऑफ वाई तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम, है ना. x फंक्शन ऑफ x तो नहीं होगा, y फंक्शन ऑफ y नहीं होगा. तो अगर फंक्शन ऑफ x y है इसका मतलब वो z की वैल्यूज हैं. तो यहाँ हमने पहले z के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया. तो e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसका हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ही आएगा e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड. फिर हमने z की जगह x प्लस लॉग वाई रखा और एक बार जीरो रखा, एक्स प्लस लॉग वाई रख दिया और जब जीरो रखा तो खाली ई रेस टू एक्स प्लस वाई रह गया हमारा. फिर हमने यहाँ हमारा एक्स था तो एक्स इज इक्वल टू एक्स तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वाई की लिमिट है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है एक्स. तो अपर लिमिट एक्स है और लोअर लिमिट हमारी जीरो है. तो अब इसमें ये हमारा है ई रेस टू टू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग वाई. ई रेस टू लॉग वाई हमें पता है कि वाई के होता है तो ये हो गया y और इंटू ई रेस टू टू एक्स प्लस वाई और यहाँ पर खाली e की पावर x प्लस वाई. तो y इंटू ई रेस टू टू एक्स प्लस वाई और माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई को y के रेस्पेक्ट में हमने
इंटीग्रेट किया। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बाय पार्ट्स में आप लोगों को सभी को आता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वो इंटीग्रेट किया और फिर हमने y की वैल्यू अपर लिमिट x और लोअर लिमिट 0 रखी और फिर सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर e आ गया हमारा। उसके बाद हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और फिर x की लिमिट रखी हमने log 2 एंड 0 और इस तरह रखने के बाद जो हमने सिंप्लीफाई किया वो हमारा आया 8/3 log 2 माइनस 19/9। ये हमने x की, जब x के रेस्पेक्ट में लास्ट में हमारा एक ही वेरिएबल रह गया x, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करके और फिर वैल्यूज रखी और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 8/3 log 2 माइनस 19/9। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज कंप्लीट इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां हमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है जब इन्होंने लिख दिया है कि कंप्लीट इलिप्सॉइड है। इलिप्स की इक्वेशन आप सब लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो थ्री डायमेंशन में इलिप्सॉइड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब अगर यह डबल इंटीग्रल होता तो हमें लिमिट क्या दे रखी होती, इलिप्स, है ना। तो फिर हम उसमें शायद एक क्वेश्चन किया भी है इलिप्स लेके, और नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ हमें इलिप्सॉइड दिया हुआ है। अब इसको हमने अलग वेरिएबल में चेंज कर लिया, यू वी और डब्ल्यू में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक्स को यू में चेंज किया है तो नेचुरली डिफरेंशियल्स भी चेंज होंगे, मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो एक्स डी एक्स हमने लिख लिया ए स्क्वायर बाय 2 डी यू। इसी तरह 2y डी वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी, 2z अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और डी यू ये डी वी है, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है, ये आप लोगों को ध्यान होगा, अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव की है जब मैंने बताया था कि इसका तुम्हें यूज मिलेगा। वो जो थी हमारी थ्योरम, ये वाली लवलीज थ्योरम, तो उसको अगर हम लेंगे यहाँ पर सॉरी डिरिचलेट इंटीग्रल, ये हमारी एक थ्योरम ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए डी यू डी वी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब यहाँ यू वी डब्ल्यू की उसमें था हमारा एक्स रेस टू एल माइनस 1 वाई रेस टू एम माइनस 1 एंड जेड रेस टू एन माइनस 1। तो यह एक्स वाई जेड की जगह यू वी डब्ल्यू है, एल की जगह 1, एम की जगह 1 और एन की जगह 1 है। तो u 1 माइनस 1, v 1 माइनस 1, w 1 माइनस 1 और dx dy dz की जगह du dv w है। तो इसमें जो हमारी वैल्यू आई थी वो गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 थी। तो ये हमने डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करते हुए ये वैल्यू निकाली है इस इंटीग्रल की, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन गामा 4, गामा 4 की वैल्यू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 48। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48 ये हमारी वैल्यू आ गई इस ट्रिपल इंटीग्रल की बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। थैंक यू।